हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की यह वीडियो टैली प्राइम की, काफी समय से टैली प्राइम के ऊपर बड़ी वीडियोस आ नहीं रही थी, तो आज मैंने सोचा कि, और काफी सारे कमेंट भी आए हुए थे खासतौर पे जीएसटी को लेकर के, सर जीएसटी एक्टिवेट कैसे करना है, चालू नहीं हो पा रहा है, कैसे करें। तो आज कुल मिला के उसी के ऊपर बात करेंगे टोटल, ठीक है। और कुछ कंफ्यूजन्स भी हैं कंपनी बनाने को लेकर के, और डेट वाला प्रॉब्लम जो चल रहा है आपके साथ, तो उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहला काम कि कंपनी बनानी है। ये कंपनी पहले से बनी हुई है लेकिन इस पे हम काम नहीं करेंगे। किस पे काम करेंगे? तो हम एक नई कंपनी पे काम करेंगे। तो F3 प्रेस करता हूँ नई कंपनी बनाने के लिए, यानी आपको टैली प्राइम में नई कंपनी बनाने के लिए F3 प्रेस करना है, फंक्शन बटन F3, ठीक है। उसके बाद सीधा सीधा चले जाना है कहाँ, क्रिएट कंपनी पर। तो क्रिएट कंपनी पर चलते हैं, ठीक है। जैसे ही जाकर के एंटर करेंगे तो ये इस तरीके का फॉर्म ओपन होगा। अब इस फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। जैसे मैं यहां पर माई ओन कंपनी के नाम से एक कंपनी बना देता हूं, माई ओन कंपनी, ठीक है। तो ये कर दिया माई ओन कंपनी। यहां पर एड्रेस आएगा, तो जो आपका एड्रेस हो वो एड्रेस डाल दीजिएगा। मेरे केस में जो मेरा एड्रेस है मैं वही डाल रहा हूं, ठीक है। ये हमने कर दिया, एंटर किया। यहां पर यू प्रेस करेंगे, मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश की स्पेलिंग यू से शुरू होती है। तो यहां यू प्रेस करेंगे ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्पेलिंग यू से शुरू होती है, तो खाली यू प्रेस करने से ही यू वाले सारे स्टेट हाईलाइट हो जाएंगे। तो आपको उत्तर प्रदेश चूज कर लेना है, अगर आपका कोई और हो तो आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहां पर पिन कोड वगैरह मेंशन कर देना है आपको, ठीक है। एंटर करते हुए ये फैक्स वगैरह है तो वो सारा दे दीजिएगा, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। यहां पर आते हैं फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है वो आपको यहां पर मेंशन कर देना है, ठीक है। और फिर यहां पर एंटर प्रेस करना है, और एंटर प्रेस करने के बाद यहां पर स्टूडेंट्स गलती क्या कर जाते हैं हर बार, कि वो यहां पर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने की डेट डाल बैठते हैं। तो यहां पर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने की डेट आपको नहीं डालनी है, तो क्या डालना है, यहां पर आपको डालना है कि काम आपका कब से शुरू हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर तो कभी भी 1 अप्रैल से ही शुरू होगा और 31 मार्च को ही एंड होगा, ठीक है। तो वो कभी कभी यहां पर 31/3, अब जैसे मान लीजिए 31/3/2023 का, अब जैसे मान लीजिए कि 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो रहा है और 31/3/2023 को खत्म हो रहा है, ठीक है। तो वो यहां पर काम शुरू ना होने की डेट डाल करके फाइनेंशियल ईयर खत्म होने की डेट डाल बैठते हैं, ठीक है। और एंटर करके एक्सेप्ट करा लेते हैं, कंपनी तो बन जाती है बड़े आसानी के साथ, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है। सबसे पहले जीएसटी चालू कर लेते हैं। तो जीएसटी चालू करने के लिए क्या करना है, यहां पर आपको टैक्सेशन वाले फील्ड में जाकर के, सेक्शन में जाकर के जीएसटी वाले ऑप्शन को यस कर देना है। जैसे यस करते हैं तो यहां पर आपका जो भी जीएसटी का स्टेट है वो स्टेट ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पर रेगुलर या कंपोजिशन जो भी आपकी कैटेगरी हो, कंपोजिशन 3 महीने पर जीएसटी फाइल की जाती है और रेगुलर हर महीने जीएसटी फाइल होती है, तो यहाँ पे रेगुलर में कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हमने 31 मार्च कर रखा है तो यहाँ तो 31 मार्च ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ से चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं, तो चेंज करेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा एक बार चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 1/4/2022 करना हो तो क्या यहाँ पे 1/4/2022, चलिए ठीक है 1/4/2022 हो गया है, तो ठीक है अच्छी बात है हो गया। यहाँ पर आपका GSTIN नंबर जो भी आपका है वो सारा GSTIN नंबर आपको यहाँ पे डालना होता है, और यहाँ पर फिलहाल हम मंथली ही GST फाइल करेंगे। यहाँ पर सेट ऑब्लिक अल्टर GST रेट डिटेल्स को यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद क्या करना है, जैसे ही आप यस करते हैं तो यहाँ नीचे टैक्सेबल रखिएगा। टैक्सेबल के बाद यहाँ पर GST रेट बाई डिफॉल्ट में 5% लगा देता हूँ, यानी कि अगर कुछ भी हम नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिक GST 5% के हिसाब से ले लेगा। लेकिन अब एक सवाल और भी है कि किसी प्रोडक्ट पे 10% लगा, 15% लगा, ठीक है 10% लगा, 12% लगा, 18% लगा, या 21% लगा, या 28% लगा, तब क्या करेंगे, तो इसका भी जवाब मिलेगा आगे। चलिए पहले इसको एक्सेप्ट कराते हैं, ठीक है इसको एक्सेप्ट कराते हैं हम यहाँ से। ये एक्सेप्ट कराया, कंट्रोल ए कर दिया, तो ये एक्सेप्ट हो गया, माई ओन कंपनी नाम से हमारी कंपनी बन गई, ठीक है। सबसे पहला काम ये किया जाता है कि कंपनी में कुछ पैसा या रुपया डाल लिया जाता है जिससे कि आप खरीद या बिक्री का काम कर सके। तो उसके लिए क्या करना है, वी बटन प्रेस करना है और सीधा कहाँ आ जाना है, रिसिप्ट वाउचर में। रिसिप्ट वाउचर में आने के लिए आपको F6 प्रेस करना होगा। यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट
ऑप्शन आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो क्या होगा, नहीं आ रहा होगा तो देखिए मैं दिखाता हूं इस तरीके का सिनेरियो आपके साथ आ रहा होगा। तो ऐसे जब आ रहा हो आपके साथ तो घबराने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल के साथ एच प्रेस कीजिएगा, ये डबल एंट्री मोड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये डबल एंट्री है और इसके पहले जो दिखाया मैंने वो सिंगल एंट्री था, ठीक है। तो डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, देखिए कंपनी में लगाए जाने वाले फंड को हम बोलते हैं कैपिटल, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट करिएगा, कैपिटल के साथ अकाउंट लगाइएगा और यहाँ पर एंटर करके नीचे आइएगा, यहाँ पे ग्रुप जो है कैपिटल अकाउंट ही आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। चाहे तो ओनर का नाम भी डाल सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट करके एंटर करके और बाकी सारी डिटेल भरते हुए आगे बढ़ जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना फंड आप लगा रहे हैं अपने कंपनी में वो देख लीजिएगा, यहाँ पे कैश से लगा रहे हैं या बैंक के थ्रू लगा रहे हैं ये भी देखना होगा। तो अगर मान लीजिए बैंक के थ्रू लगा रहे हो तो क्या कर रहा होगा, तो यहाँ पे क्रिएट पे जा करके पूरा डिटेल आपको भरना होगा, जैसे किस बैंक का है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टेट बैंक, ठीक है, एंटर किया। यहाँ पे ये अंडर बैंक अकाउंट जाएगा, जैसे ही बैंक अकाउंट जाएगा तो यहाँ आपको बैंक अकाउंट नंबर भी डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर भी हमने दे दिया, एंटर किया। यहाँ पे आईएफएससी कोड और स्विफ्ट कोड भी डाल सकते हैं और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे अब आपको अपने ब्रांच का नाम डालना होगा, यहाँ पे चेकबुक इशू करना है कि नहीं, तो फिलहाल हम इशू नहीं करते, आगे बढ़ते हैं और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा काम, ठीक है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रहेगा आपका या कंपोजिशन, जैसा आपका है, जैसा आपका नेचर हो वैसा आप करिएगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक आ चुके हैं हम, अब इसको एक्सेप्ट कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे नरेशन वगैरह डाल सकते हैं, ये हमारी एंट्री एक्सेप्ट हो गई, यानी ये पहली एंट्री एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट वर्क, नेक्स्ट वर्क हमको ये करना है कि हम परचेस करेंगे, जो परचेस करेंगे उसका बिल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा होलसेलर पार्टी से, तो यहाँ पर उसके लिए हम एंट्री पास करेंगे। तो कीबोर्ड से F9 प्रेस कर दीजिए या यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, दोनों ही काम बहुत ईजी है, कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका सप्लायर का नंबर दिया गया हो वो डाल दीजिए, आगे आइए। यहाँ पर समस्या खड़ी हो जाती है, यहाँ पे डेट पहले से 31 मार्च शो कर रहा है, तो क्या हम यहाँ 1/4 यानी 1 अप्रैल 2022 नहीं डाल सकते, बिल्कुल डाल सकते हैं, तो डाल दीजिए, फिर देरी किस बात की है, एंटर किया, ठीक है। एंटर करने के बाद फिर क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, पार्टी का अकाउंट नेम लिखना है, ठीक है। तो अकाउंट नेम यानी हम उधार की परचेजिंग करेंगे तो अल्ट सी करके एक हम क्रेडिटर पार्टी का यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे युवराज होलसेलर, होलसेलर कर देते हैं, होलसेलर, तो युवराज होलसेलर किया हमने, ठीक है, एंटर किया, एंटर किया। ये किस में जाएगा, ये जाएगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, ध्यान दीजिएगा ये सन्ड्री क्रेडिटर ही है, तो ये अंडर सन्ड्री क्रेडिटर कर दिया। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस रखिएगा। यहाँ पर ग्रुप, ग्रुप आपका किस टाइप का है, स्टेट, यहाँ पर आपका जो क्रेडिटर पार्टी है वो किस स्टेट का है ये भी बिलोंग करता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये नहीं देंगे तो फिर जीएसटी कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर समस्या खड़ी हो जाएगी। और जो आपका स्टेट चूज करने के बाद, जैसे मान लीजिए अगर सेम स्टेट की बात आती है तो ऐसे में सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, लेकिन अगर डिफरेंट स्टेट हो जाता है तो उस दशा में आपका लगेगा आईजीएसटी। तो जैसे मान लीजिए कोई भी अदर स्टेट है, जैसे ओडिशा है, ओडिशा ले लिया, तो यहाँ पर अब आईजीएसटी की बात आ जाएगी, ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं बल्कि अब आईजीएसटी की बात आएगी। तो यहाँ पर ये कर दिया है हमने, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करते हुए यहाँ पे इनका जो भी जीएसटी आईएन हो वो डाल सकते हैं आप। बाकी यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट का लेजर, तो ये कर दिया परचेज और फिर यहाँ कर दिया अकाउंट, तो ये हो गया परचेज अकाउंट, अंडर परचेज अकाउंट के ग्रुप में इसे डाल देंगे। तो ये परचेज अकाउंट हो गया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट कराने के बाद अल्ट सी करके अब एक नया प्रोडक्ट जो हम परचेज करके लाए हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने शुगर परचेज किया है, शुगर, ठीक है, तो ये शुगर लिखा और शुगर कैटेगरी छोड़ देते हैं, कैटेगरी मैंने एक्टिवेट कर रखी है, यूनिट पे आ जाते हैं। यूनिट बनाना बहुत जरूरी है, तो बिना यूनिट बनाए मत जाइएगा आगे। यहाँ क्रिएट पे गए, यहाँ पे केजी कर देते हैं और यहाँ लिख देंगे किलोग्राम, इसका फॉर्मल नेम हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है। और यूक्यूसी कोड में यहाँ पे केजी कर देंगे तो यहाँ किलोग्राम आ जाएगा, बाकी यहाँ पे किसी को आधा किलो बेचना हो तो 0.500 करके बेच सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 रखा है, ठीक है। एक्सेप्ट कराएंगे, एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पर आएंगे। अब देखिए अगर आप अलग से जीएसटी रेट सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, अगर आप नहीं सेट करना चाहते तो फिर आगे बढ़ जाइए। मान लीजिए इसमें हमको नहीं सेट करना है, यहाँ पे क्वांटिटी की बात करेंगे, 100 किलो चीनी की बात करते हैं
और यहाँ 1 किलो चीनी का खरीद रेट 40 रुपए पड़ा, तो इसके हिसाब से 100 किलो चीनी की कीमत आ गई। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे सीजीएसटी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे अल्ट सी करके लेजर बना के देखिए, सीजीएसटी यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा, ना तो सीजीएसटी अप्लाई होगा ना तो एसजीएसटी अप्लाई होगा, दोनों में से कोई भी अप्लाई नहीं होने वाला है। ठीक है, तो क्या अप्लाई होगा, पहले तो मैं लेजर लगा के दिखा देता हूँ इसका। ठीक है, तो ये लेजर लगा दिया हमने, तो देखिए यहाँ पे नहीं कैलकुलेट हो रहा है, तो यहाँ पे अप्लाई होगा आपका आईजीएसटी। तो यहाँ पे अल्ट सी कीजिए, आईजीएसटी कीजिए, जैसे ही आप आईजीएसटी करते हैं ना, तो ये तुरंत अप्लाई हो जाएगा और आपका टैक्स भी कैलकुलेट हो जाएगा। ये बड़ा इजी है, आसान है। ठीक है, बस एक बार ध्यान देने की जरूरत है, काम फटाक से होगा। ये देखिए यहाँ पर आईजीएसटी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, आप और भी प्रोडक्ट ले सकते हैं यहाँ से, अगर आप जाते हैं नीचे तो यहाँ पे और भी प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए आपने राइस ले लिया, अब राइस पर मैं अलग से जीएसटी रेट सेट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये भी किलो में रहेगा, अब यहाँ पे अलग से जीएसटी रेट सेट करता हूँ, तो यहाँ से क्या करते हैं हम, यहाँ से कर देते हैं यस, तो यहाँ पे आएंगे ना, तो देखिए ये जो है इसको मैं टैक्सेबल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 12%, तो देखिएगा इस पर 12% का जीएसटी रेट लगेगा। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस पर 12% हमने सेट किया। जैसे मान लीजिए 50 किलो की बात आई, तो यहाँ पर 90 रुपये किलो के भाव से बिका, खरीदा गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जीएसटी है उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बात ये समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब जब आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लिया हमने, एक्सेप्ट करा लिया, यहाँ से बाहर आ जाते हैं गेटवे ऑफ पहली पर, तो के प्रेस करके आएंगे यहाँ। अब जब आएंगे तो इसमें आपको दिखेगा, जैसे बिल जब प्रिंट होगा, ये देखिए मैं प्रिंट करके भी दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो शुगर पे जीएसटी लगा है वो केवल 5% लगा है, जबकि राइस पे जो जीएसटी लगा है वो कितना लगा है, 12%। तो अलग से भी जीएसटी रेट सेट कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे जीएसटी रेट सेट करना है। अब जब सेल करेंगे ना, तो उस कंडीशन में आपको अलग से जीएसटी नहीं देना, सेम यही जीएसटी अप्लाई हो जाएगा, रेट तो आप अलग डालेंगे लेकिन जीएसटी रेट सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे वी बटन प्रेस कीजिए और यहाँ पे सेल्स वाउचर में आ जाइए। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे सन्ड्री डेटर पार्टी आएगा, जैसे गौरव रख लिया हमने, गौरव यहाँ पे डी कर देता हूँ डेटर पार्टी, और यहाँ पे क्या करते हैं, सन्ड्री डेटर के ग्रुप में इसे डालेंगे, सन्ड्री डेटर, तो ये कर दिया हमने, एंटर किया, एंटर किया। अब मान लीजिए सेम स्टेट की बात है, देखिए अब सेम स्टेट की बात आ गई ना, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे चीजें अलग हो जाएंगी जब सेम स्टेट की बात आएगी, तो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगने लगेगा। तो यहाँ पर पहले इसको एक्सेप्ट कराता हूँ और यहाँ पे आएगा सेल्स का लेजर, सेल्स कर देते हैं यहाँ पे, अंडर सेल्स अकाउंट जाएगा ये, तो यहाँ से सेल्स कर लीजिएगा, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो शुगर की बात आती है, तो शुगर ले लिया हमने, मान लीजिए 20 किलो चीनी बिक्री रेट 50 रुपये दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर सीजीएसटी लगाएंगे तो यहाँ पे तुरंत देखिए सीजीएसटी तुरंत अप्लाई हो गया, देख सकते हैं ना, यहाँ पे 25 रुपये सीजीएसटी आ गया है। अब यहाँ पे एसजीएसटी का भी लेजर बना लिया जाए, एसजीएसटी, ठीक है, एंटर किया, एंटर किया, यहाँ पे एसजीएसटी किस में जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस कर लीजिए और बाकी यहाँ पे जीएसटी कर लीजिए और बाकी यहाँ पे स्टेट टैक्स हो जाएगा, और स्टेट टैक्स होने के बाद नॉर्मल राउंडिंग एंटर करके एक्सेप्ट कराइए, देखिए ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्लियर, आई होप कि बात आपको समझ में आई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसका बिल जब आएगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये परचेस का तो पहले ही दिखा चुका हूँ, अब सेल्स का दिखा देता हूँ, ये देखिए ये सेल्स का बिल है, इस तरीके से ये जनरेट होगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा।